आने वाला लोकसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए ही खास नहीं है बल्कि पर्यटन उद्योग की उम्मीदें भी लोकसभा चुनावों से जुड़ी हैं। पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि चुनावों के दौरान विदेशी पर्यटक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व को देखने आएंगे और इससे पर्यटन कारोबार काफी मजबूत होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है पर ऐसा नहीं है कि इस चुनाव से सिर्फ नेताओं की उम्मीदें जुड़ी हैं। पर्यटन उद्योग भी लोकसभा चुनावों से आस लगाए बैठा है। दरअसल पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने वाले चुनाव को देखने विदेशों से सैलानी आएंगे और इस तरह महीनों से ठंडे पड़े पर्यटन के कारोबार को थोड़ी रफ्तार जरूर मिलेगी। यही वजह है कि कई टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंसियों ने खास तौर पर विदेशी सैलानियों के लिए पैकेज तैयार किया है। टू सी द इलेक्शंस, खासकर वहां के मीडिया के लोग और पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ये कुछ टूर्स बनाए हैं। दरअसल दुनिया भर में चल रही मंदी की मार और मुंबई आतंकी हमले के चलते पर्यटन उद्योग पर दोहरी मार पड़ी है जिसके चलते विदेशी पर्यटकों की तादाद में पिछले 5 सालों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाने वाला ये उद्योग फिलहाल गिरावट पर है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव मंदी की मार झेल रहे ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है और टूर ऑपरेटर्स अभी से ही इस मौके को भुनाने की तैयारी में लग गए हैं। अवनीशो झा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।